हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ एल वर्ल्ड। और आज अपन वापस से एक बॉस पाल पकड़ने वाले हैं, जैसे कि से पिछली वीडियो में पकड़ा था उससे भी तगड़ा, और बाकी अपने बेस को अपग्रेड करने वाले। सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो इस टाइम पे मैं हूं अपने बेस पे, और इस टाइम मेरे को सबसे ज्यादा कमी है फूड की और स्टोरेज की। तो आज अपन इन दो कमियों को अपन सबसे पहले पूरा करने वाले। मैंने ये तीन चेस्ट और बनाई थी ऑफलाइन, क्योंकि इतना सारा आइटम आ रहा है अपने पास, बट वो स्टोर ही नहीं हो पा रहा कहीं पे। मेरी पूरी इन्वेंटरी भर गई थी, उसके बाद मैंने एक चेस्ट या फिर शायद तीन चेस्ट बनाई थी। हाँ, ये तीन चेस्ट बनाई थी, वो भी देखो सारी भर चुकी है। तो आज अपन सबसे पहले बनाने वाले मेगा चेस्ट और कुछ कुकिंग आइटम्स जो अपन इससे पिछली वीडियो में अनलॉक किए थे, जैसे कि ये देखो कुकिंग पॉट हो गया। इसके लिए अपने को 15 इंगट चाहिए, तो आज अपन बहुत सारा ओर लाने वाले हैं सबसे पहले, तो क्योंकि स्टोरेज में भी अपने को ओर ही लगेगा। देखो ये रही मेटल चेस्ट, जिसके अंदर अच्छा मेटल चेस्ट है, मैं मेगा चेस्ट बोल रहा था अब तक। और इसमें क्या सामान ज्यादा आएगा कि नहीं यार? और इसके अंदर भी 15 चाहिए शायद इंगट। ओके यार, 15 30 इंगट तो अपने को यूं ही चाहिए, जिसमें एक इंगट बनता है अपना दो ओर में। सो गाइज, अभी अपन निकालते हैं अपनी मेटल की पिकैक्स और चलते हैं अपना काम करने। सबसे पहले अपन बनाने वाले कुकिंग पॉट, फिर अपन बनाएंगे मेगा चेस्ट। तो अपन देखो अभी मेटल लेने कहां जाएं, अपने घर के पास में ये एक ओर, तो सबसे पहले इसको तोड़ लेता हूं, फिर और ढूंढ के आएंगे। और इनको नहीं लगा सकते यार काम पे, रुकना। ये देखो इस आदमी को मैंने ऐसे उठा लिया जैसे तो एकदम ऐसे हो। देखो कांट भी असाइंड यहां पे नहीं हो सकता भाई, इन ओर्स पे पता नहीं कौन सा ही पाल जाता है। एक सेकंड गाइस, मैं देख के आता हूं नेट पे कौन सा पाल ओर्स तोड़ता है। गाइस नेट पे बता रखा है डिग टॉयस, जो कि डेजर्ट एरिया में मिलता है। तो ठीक है गाइस, अपने को जब भी मिलेगा जब लेके आएंगे। डेजर्ट एरिया मेरे को मालूम भी नहीं है कहां पे और कैसा है। तो सबसे पहले अपन ओर तोड़ते हैं। बैग देखो अभी फुल हो गया। बैग फुल कहां से हो गया ब्रो, मेरे बैग में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अपने पास वुड कितनी सारी पड़ी है। ओके वुड की वजह से हुआ ये फुल। एक सेकंड गाइस, मैं वुड रख के आना दो मेरे को। और गाइस मेरे को देखो ये जो पेट्स है ये भी मेरे को ला के दे रहे, क्योंकि अपने पास चेस्ट खाली ही नहीं है। एक सेकंड रुको, मेरे को नॉर्मल चेस्ट बनवानी पड़ेगी सबसे पहले। यार अब कहां बनवाऊं, अच्छा और नहीं लग रहा ये एरिया, इनको तोड़ और नहीं सकते फिर बाद में अपन। ओके अपन इसको यहाँ कोने में बनवा देते हैं, और इसके अंदर अपनी सारी वुड्स रख देते हैं, सिर्फ वुड रख देते हैं, अपना एरिया खाली हो जाएगा। चलो पर एक सेकंड, ये जिसको अपने नेकलेस पहना रखा है ये लाला के दे रही है क्या आइटम? देखना अभी उठाया इसने, चुपचाप अंदर को आ जा। इसको अंदर कैसे रखें भाई? अच्छा ये इसलिए अपन अगर कहीं एक्सप्लोरिंग पे जाएं तो ये आइटम उठा उठा के ले आएगी। बढ़िया चीज है भाई, लेकिन अभी बिल्कुल घटिया चीज है तू भाई, जो वुड उठा उठा के मेरे को दे दे रही है। अभी मेरे को नहीं चाहिए ब्रो, ठीक है अभी अपन तोड़ते हैं ये। वापिस से मेरा बैकपैक फुल हो गया है, पता नहीं क्या है मेरे बैकपैक में, पूरा खाली पड़ा है। ओके इसको अपन निकाल सकते हैं, बट रखे भी रखेगा गाइस जब तक इनको मैं फर्नेस में डाल जाता हूँ। वैसे भी मेरे पास वेट बहुत हो गया है इनका। ओके 22 बन सकते हैं, 22 इसके अंदर डालते हैं। और दो फॉक्स, ओके फॉक्स की जरूरत नहीं है, ये भी करती है वो कांगी, आ रही होगी कहीं ना कहीं से। एक सेकंड आ गई ये अरे पानी में भीग क्या ये भाई। और ओके इससे फास्ट नहीं हो रहा है शायद, या पता नहीं कैसा भी है। जैसा भी अपन फॉक्स को भी बाहर रख देते हैं, जिससे कि ये भी काम करती रहेगी अगर इसने नहीं कराया तो। अभी अपन चलते हैं फटाफट से और ढूंढने। गाइज आधे में वहीं ड्रॉप करके आया हूँ, फटाफट से मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा और फिर उनको वापस लेने जाना है मेरे को। यार मैं अपनी इन्वेंट्री कैसे बढ़ा सकता हूँ, कोई बताएगा मेरे को गाइज कमेंट्स में बताओ मैं इन्वेंट्री कैसे बढ़ा सकता हूँ। एक सेकंड, इन ओर्स को डायरेक्ट यहीं लगा के जाते हैं। गाइज शायद अपने यहाँ पे रेड हो गई है, ये सब इनके ऊपर रेड मार्क क्यों आ रहा है गाइज? इनके ऊपर अभी रेड आ रहा था भाई, ठीक है छोड़ो मेरे को क्या। ओके गाइज अभी मैंने फाइनली इकट्ठे कर लिए 31 ओर्स, तो इसको लेते हैं। और अब मैं बनाने वाला हूँ सबसे पहले अपनी कुकिंग टेबल। तो ये कुकिंग पॉट बनेगा, अब इसके बगल में बना देते हैं, इसको फटाफट से बनाते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या पता कुछ अच्छा खाना मिले। बट उस खाने के लिए भी रॉ मटेरियल मेरे को ही लाना पड़ेगा। इसमें भी यार यही बनते हैं, बट थोड़े से एक्स्ट्रा आइटम है इनके अंदर, और कुछ नहीं। इसके अंदर अपना खाना बन गया है। देखो इसके अंदर कम रेसिपी है, इसके अंदर ज्यादा रेसिपी है, तो बढ़िया। और अपने पास और इंगट्स आ गए, इसको लेते हैं। अब बनाते हैं अपन मेटल चेस्ट। देखो मेटल चेस्ट कहां है अपनी, ये ओके बड़ी है मेटल चेस्ट, यहां बनाते हैं अपन इसको। अपन पूरा बनाते हैं, इसकी स्पेस देखने कितना है। अरे यार नॉर्मल चेस्ट में शायद एक दो लाइन थी, इसमें चार हो गई है। ओके दो लाइन भी पूरी नहीं थी, दो एक्स्ट्रा दे दिए उसने, ठीक है नॉर्मल चेस्ट से तो अच्छी है। अभी जितना भी आइटम यहाँ पड़ा है इन सबको उठाते हैं और रखते हैं अपने स्टोरेज में। बाकी ये तो इसी में आ जाएगा, देखो इसमें जो वुड्स पड़ी है ना 199, इसी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। बाकी नई चेस्ट में जो नया नया आइटम होता है, जैसे जो एक की इन्वेंटरी लेता है, जैसे कि हो गया ये हो गए, जैसे अंडे हो गए, ये सब अलग अलग इन्वेंटरी लेते हैं, एक अंदर दो नहीं आते। तो अभी चलते हैं, रात हो रही है, सो जाते हैं, अपने पेट्स भी सो गए, अपन कल सुबह चलते हैं बॉस पाल को मारने। ओके इससे पिछले मैच में थोड़ा बहुत मारा था, बट वो मरा नहीं था ढंग से। तो अपन आज लेके जाने वाले ये एजरोब, रॉबिन क्विल, नाइट विंग लेके जाना पड़ेगा शायद मेरे को। नहीं नाइट विंग ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को इसी को मार के आना है, ये अपन पकड़े लाने वाले। तो यहाँ तक अपने को उड़ के जाने की जरूरत नहीं होगी, तो इनको लेके जा रहे हैं अपन। 239 का अटैक है इसका 256 का तो है। एक सेकंड यार, पाल बॉल्स तो बनाई नहीं मैंने, तो सबका खाना फुल हो गया है, मेरे पास भी काफी खाना पड़ा है। बाकी अगर मैं फ्लेम एरो बना सकूं तो फ्लेम एरो लेके चलूं क्या, काम आएंगे। 6 बना के लेके चलता हूं, शायद इतने में काम हो जाए। मैक्सिमम टाइम डॉज करना है ढंग से, वरना मैं मारा जाऊंगा। एक सेकंड, 30 एरो बन रहे हैं, 5 बार बनाया था ना मैंने, और इनटू 5 था वो। ठीक है ठीक है ठीक है सही है, एक बार में बन भी 5 रहे, तो ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। 20 हो गए,
ओके डन। अभी मैं मेगा स्फीयर्स बनाने वाला हूँ, खूब सारी, जितनी बन जाए। 11 बन रही, 11 बना दो। गीगा स्फीयर्स हैं, बाकी नॉर्मल स्फीयर्स नहीं है, नॉर्मल स्फीयर्स भी लेके चलते हैं। ओके, ये भी 8 बन सकती है, मैं शायद वो पकड़ में आ जाना चाहिए, बाकी तो वो मेगा स्फीयर्स ही पकड़ में आएगा। तो अपने पास मेगा स्फीयर्स भी 11 है, कम नहीं है यार, आ जाना चाहिए। चलो चलते हैं 11 पे, मैं रिस्क लेके देख रहा हूँ। लेट्स गो, यहाँ जाना है अपने को। कहाँ है वो, डर डरा गया क्या? ओ गाइस, अपन यहाँ आ गए, अपने को सामने जाना है। ओके, उसका टावर ये रहा, ये थोड़ा अलग सा एरिया है। और बाकी यहाँ पे मैंने कुछ तो देखा था अभी, ये चिरान यहाँ भी घूमते रहते हैं क्या भाई? छोड़ो, अपने को जाना है यहाँ पे। अभी गाइस अपन यहाँ पे आ चुके हैं बॉस फाइट करने, अंदर चलते हैं, क्या पता अपन इसको मार दें आज, क्योंकि ज्यादा पावर का नहीं है, एक भी डैमेज नहीं लूंगा इससे। मैं रुक जाऊ तुम बेटे, देख तू अब मेरी पावर। ओके यार, ज्यादा खत्म नहीं कर पा रहे हैं, बट ये दोनों ही एक दूसरे को। रॉबिन क्विल निकालेंगे अपन इसके बाद। ओके अरे यार, ओके मर गया, नहीं बच गया, बच गया। अभी भी 1000 की एचपी, हल्के में नहीं लेना इसको। मारा ये तलवार निकलती, मारा। ओए भाई, ये क्या कर रहा है? 900 की एचपी रह गई है, बाकी अपना रॉबिन क्विल भी जाने वाला। गया रॉबिन क्विल, गया, इसको छोड़ो। आजा बेटे, बेटे बॉस फाइट होनी गाइस, बॉस वर्सेस बॉस। बट ये खड़ा क्यों है कोने में? एक सेकंड यार, पागल आदमी है क्या यार ये? इतनी देर में मार रहा है भाई ये। इसकी भी हेल्थ जाने लग रही है, मैं इसको छोड़ूंगा इसके बाद। आगे 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 आ गया, नहीं। ओके सही है, एक और अटैक और मैं इस पे छोड़ूंगा अभी ये। प्लीज, ये क्या कर रहा हूँ मैं? आजा इसका एक और हो जान दे, नहीं ये ले, एक और हो जान दे भाई। 70 की एचपी में और किसी को छोड़ना नहीं चाह रहा यार, तेरे ऊपर क्यों कर रहा है उंगली? आ जाना शांति से, अब आजा। 50 की एचपी कर दिया यार, अब और तो क्या कम करूं, बच्चे आ जाते 50 के। भाई भाई नहीं आया तो नहीं आया, इसको पूरा खत्म कर जाऊंगा मैं। अब नहीं आया ना बेटे, गीगा स्फीयर फेंक दिया मैंने। अच्छा यार, अच्छा खाले नॉर्मल बॉल फेंकूं क्या तेरे पे? इतना सस्ता आदमी है। एक बॉल बची थी मेरे पास मेगा, वो मैंने फेंकी नहीं भाई, आ ही नहीं रहा यार, क्या फालतू चीज है ही भाई। 20 की एचपी कर दी थी उसकी यार। गाइस छोड़ो, मैं अभी पहले आइटम लेके आ रहा हूँ अपना सारा। मैं वापस लड़ूं कि नहीं लड़ूं मेरे को नहीं पता उससे, क्योंकि भाई वो तो आने नहीं आ रहा था यार। गाइस तुम लोग गिन के बताना मैंने कितनी बॉल फेंकी, नॉर्मल और नॉर्मल तो क्या गिनोगे, गीगा और वो मिला के। मेगा मैं लेके गया था शायद 8, 10 या 11, बाकी 1 गीगा फेंकी थी मैंने भाई। अभी ये चिरांद आया ना, मैं मार दूंगा सालो तुमको। मैं क्या कह रहा हूँ, अपन किसी और बॉस को मार के देखें, ये उनसे भी अच्छे अच्छे लेवल के हैं यार। एक है 28 का, एक है 31 का, और एक कोई तो टावर के अंदर था। ओके ये नो डाटा वाले को मार के देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन अपने सारे पैल्स रिवाइव करके लाते हैं, मैं इनसे जीत जाता था, वो मेरे जो पुराने वाले थे, पुराना तो नहीं मतलब दो वीडियो पहले का जो भी। मेरे को मेगा स्फीयर्स बनानी है, वहां टावर में भी जाऊंगा तो कोई तो लड़ेगा मुझसे, उसको भी पकड़ना पड़ेगा। तो वापस अपन काम पे लगते हैं। यार डेजर्ट बायोम अपने को कहां मिलेगी, पता पड़ सकता है क्या? ओके गाइस अपने को कोई तो नया मिला, ये पैनकिंग करके 15 लेवल का ही है, इसको मारते हैं। नहीं अपन को बॉल्स तो बनानी है फिर भी, रुको गाइस मैं और लेके आता हूँ। फटाफट से अपन उड़न खटोला निकालो, बैठो और ऊपर चलो। वे ये आदमी ऊपर से आग किस पे फेंक रहा है? वो ये भी ठीक है, बढ़िया तेजी से बना रहा है। 10 बनाते हैं। ओके गाइस अपन ने ओर्स बनाने बहुत सारे रख दिए, ओ इंगट बनाने बहुत सारे रख दिए। गाइज मेरे को अपना लेवल अप करना है, मेरे को गीगा स्पीयर्स बनाने हैं, पता नहीं कैसे बनेंगे भाई। और एक सेकंड गाइज, मैं ये एक और पैट लाया था ना, ये क्यों नहीं लेके जा रहा? 234 का इसका अटैक है, डिफेंस भी अच्छा है। वे उड़ जा उल्लू। ओके गाइज अभी अपन जाने वाले फाइट करने, तो इन सबको रख लेते हैं अपने पास, और जब तक यहाँ पे रख देते हैं कि नहीं और पैट्स को, और इन दोनों का अभी भी टाइम बचा है। जब तक मेरे को स्पीयर्स बनाने, वो स्पीयर्स बनाता हूँ मैं। इसमें मेगा स्पीयर्स बनाने के लिए पैलेडियम फ्रेगमेंट नहीं है, पैलेडियम फ्रेगमेंट तो यही बन जाएंगे। पैलेडियम फ्रेगमेंट की अपने चाचा की दुकान है, या फिर एक उसके बगल में और है तो उससे लड़ लेंगे। इसको खाना खिलाओ, और हो सकता है तो और खाना उठाओ। अभी अपन चलते हैं इधर की साइड, क्योंकि इधर से अपने को इधर जाना पड़ेगा, ये ज्यादा पास में पड़ेगा। ठीक है इधर से इधर चलेंगे या फिर इस पे चलेंगे, इस पे ट्रेवल होते हैं डायरेक्ट। ओके मैंने तुमको बोला था, किसको तो देखा जेल बनाए हुए है ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी जेल देखी थी। भाई इससे अपने को उतरने दो नीचे, पहले ये देखते आएंगे अपन किसी को तो छुड़वा के आएंगे। इधर गोट ही थी लेकिन ये पैट नहीं था, ये पैट नहीं था उस टाइम पे, यहाँ पे साला बतक रख दिया है इसी जगह। अरे ब्रो रुक जा एक सेकंड ना, जा ही रहा हूँ बस। अल्लाह जेल के बाहर से गोलियां चला, ब्रो मैं वो ले लूँ, थोड़ा सा ऑर्गन मिल रहे होंगे, तू भी मर जा तो ऑर्गन ले लूंगा यार मैं। चलो 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 फटाफट चलो, इसमें देख के आते हैं, अगर 16 लेवल से कम का हुआ तो इसको लेके चलते पहले। ठीक है इसमें किसी बॉस को तो मारना पड़ता है 10 मिनट में। ठीक है मैं घुस तो गया हूं, देखी जाएगी। अभी कहां लेके जा रहा है भाई? मेरे को ऐसे फाइट की आदत सी नहीं है, देख मैं थोड़ा सा छोटा सा आदमी, ये फाइट करेगी मेरे से? बॉल दे रही है, फाइट कर रही है। अरे ओके ये रियलिटी में पोकेमोन वाला सीन है कि एक करेक्टर आएगा वो अपना पेट छोड़ेगा। 30,000 की भैंस की आंख, वापस कैसे जाना होता है? 10 मिनट खत्म करेगी, उससे पहले मर गया तो।
अरे मैंने अपने पैड्स मरवा लिए भाई फालतू में यार, क्यों कुछ कर ब्रो, साले पागल सा है क्या तू? वो छोरी उसके ऊपर बैठी, मैं नहीं बैठ सकता कि इसके ऊपर, ठीक है थोड़ा सा छोटा है मेरा वजन, जे नहीं पाया। अरे दीदी को देखो जरा ऊपर आ रहे। अरे अरे गाइज फाइट चल रही है, बेटे मरने नहीं दूंगा तेरे को, टेंशन मत ले, तू खाना खा के जिंदा रहेगा अपने। गाइज पॉसिबल है जीतना, ऐसी कोई बात नहीं, आधी एचपी कर दी उसकी मैंने। दीदी मैं आग लगाओ, इससे हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। टैली पैक है, टैली पैक कुछ। चले बेटे आ गया पापा, मैं जरा इनकी एचपी बढ़ा लूंगा, रुको बेटे खाना खाओ तुम मेरे पीछे। ओरा रा रा। गाइस ये पेट मिल जाएगा क्या? ए? मैं तो कुछ और लेने गया था। गाइस नो जा रही की एचपी, अरे कुछ नहीं हो रहा उसका, मत कर आ रहे। हाँ ये रहा, एक सेकंड, इसके बाद अपन सांड छोड़ेंगे अपना, रॉबिन क्विल को मरने नहीं देंगे। अरे रॉबिन क्विल में अक्ल बक्ल नहीं है क्या बे? मेरे को देख, अबे डरता हूं तेरे से। यही खड़ा हूं मैं, हिल भी नहीं रहा। अब बोलो गाइस हिल भी नहीं रहा मैं, देख लो भाई बाहर पटकोगे क्या, थोड़ा अंदर आ जाओ फाइट कर लो, इधर बीच में फाइट कर लो, ये किस लिए बना रखा है मैदान इतना बड़ा। चलो ब्रो लेट्स फाइट, ये डम डिगी डिगी डम डम। मोटे भाई के उसने सिंग उड़ा दी, सिंग ये भाई की जॉगिंग करा रहा हूं मैं, पेट कम हो जाएगा थोड़ी देर में, देख रहा हूं तुम पूरा खत्म करना है क्या? इसको पकड़ सकता हूं? ओके पकड़ सकता हूं भाई, पकड़ सकता, अभी नहीं पकड़ना है, 40 की एचपी पकड़ेंगे वरना पूरा खत्म करेंगे, क्योंकि फाइट चल रही है किसी से तो। ओके 3 मिनट बचे हैं यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं, टाइम भी तो है इसमें। कौन मार रहा था इसको सबसे बढ़िया? पहला वाला मार रहा था ना, छोड़ दूं पहले वाले को यार, ये मार नहीं रहा है ढंग से। अबे खत, बॉस एलिमिनेटेड ब्रो, पकड़ने दे मेरे को, पकड़ने ही नहीं दिया यार इन्हें, इसको मारने के लिए पैसा नहीं दिया था तेरे को मैंने, वो फाइट कराने आए थे वो, उन्होंने थोड़ी कुछ बोला। ओके इसको मारने के बाद ये टावर अनलॉक होता, मैंने चील पे बैठ के इसको अनलॉक कर दिया था इसे पिछले एपिसोड में। बाकी अभी क्या मिला मेरे को इससे, एक सेकंड, अबे मैंने फाइट तो कर ली है लेकिन मिला क्या मेरे को इससे? पैट नहीं दिया तो क्या दिया फिर? अरे रेड करा दी इन लोगों ने, एक सेकंड रुकोगे मेरे, तुम इनसे करो रेड, अभी वो पैट कहा मेरे को, पैट देखना हट जाओ। अरे यार वो पैट ही नहीं आया, बताओ अभी कहा ये रेड वाले, कहा नीचे से आ रहे भाई, इधर इधर मेरे पीछे पीछे, इनको सालो कोई छोटी बिल्ली मारती है, मारियो इनको सालो, ये देख पड़ी पड़ी मर बुर मर ये बात। अरे यार इनको इधर ही आ जान दे, थोड़ा अच्छा अच्छा आइटम देके जाते हैं। अरे खत्म करो यार इनको, छोटे मोटे लोग हैं ये। गाइज मस्त मस्त चीजें मिल गई अपने को, एक सेकंड अपन ये देख लेते हैं क्या क्या मिला है अपने को। हाँ ठीक है भाई सब चीजें मिली फालतू की, ठीक है। ये जो एमओ वेमो देके गए इनको अपन बाटली में उतारते हैं, जैसे की 13 इंगट किस लेके घूम रहा भाई मैं। गन पाउडर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये किसी काम की चीज नहीं है। तो अभी अपन डायरेक्ट जाने वाले हैं जिसको अपन पहले मारने वाले थे, ये भी ओके 11 लेवल का है यार, यहाँ चलते हैं, ये दोनों आज आएंगे मेरे 11-12 लेवल के छोटे मोटे लोग, मैं ना ऐसे मार देता हूँ, चुटकी बजाते हुए मार देता हूँ। जाना कहाँ है ये तो देखो, मेरे को जस्ट यहाँ से सीधा जाना है और मैं अपना उड़न खटोला तो लाया ही हूँ। चलते हैं डायरेक्ट इस पे बैठ के बॉस फाइट करने। ओके सामने की साइड कुछ तो बढ़िया सा है और एक ईगल मिल गई है, और ये यहाँ पे रहता है क्या भाई वो? बेटे मार के घर पे कब्जा कर लूंगा। ओके गाइस उसके एरिया में आ तो गए हैं अपन, बट वो नहीं दिख रहा है मेरे को, इसको अनलॉक कर देते हैं और अब इसके अंदर देखते हैं वो कहाँ पे है। अबे यहाँ पे है अपन, ज्यादा एक्स्ट्रा आ गए, शायद ऊपर की साइड रहता हो वो, बाकी घर वर क्या थे मेरे को पता नहीं, घर बाद में देखेंगे, मैंने लोकेशन देख लिया प्रॉपर, यहाँ जाना है अपने को। मिला क्या आपको, दिखा गाइज? गाइज अपने को मिल गया है एक बॉस जिसके अपन जी में उंगली करने वाले हैं अभी। चिलट नाम है इसका, चिलट, ये लो कर दी उंगली। हो बर्फीला कीड़ा भाई, बर्फीला कीड़ा। अरे खत्म भाई खत्म, अरे बॉस फाइट नहीं थी। अरे भैया भैया सॉरी जरा देख के, अरे मुझे पकड़ना भी है भाई को। अरे देख लो ले, देख ले देते हैं। हाँ ऊपर मेरे भाई उदास क्यों है, छोड़ के जाना है क्या यार बंदे को? यहाँ से लगाव होगा यार, अपने अपने घर से लगाव होता है। मैं गाइस बॉस फर्स्ट किल, भैया दूसरा किल है मेरा बॉस का, झूठ बोल रहे हैं भाई, झूठ बोल रहे हैं झूठ। अच्छा इनको भी तो अपन 10-10 बार पकड़ना है। हाँ इनको भी 10-10 बार पकड़ना है भाई, यही तो काम रहेगा जीवन में मेरे, यही तो करने आया था मैं। ओके अभी अपन चलते हैं 16 लेवल वाले को पकड़ने में। ये क्या फाइट थी, फाइट थी गाइस? हो सका तो मैं अपने उस 23 लेवल वाले को भी पकड़ना चाहूंगा, बट यार पता नहीं वो आ क्यों नहीं रहा था। मैं इस बार 28 मेगा स्फीयर्स बना रखी है इस बार मैंने, उसको पकड़ेंगे। बट हाँ पहले अब सारे छोटे छोटे बच्चों को पूरा करते हैं। ये अपने पकड़ लिया है शायद 11 लेवल का था, अभी अपने को जाना है यहाँ, तो डायरेक्ट उड़न खटोला से चलते हैं। यहाँ से बराबर पड़ेगा, यहाँ से बराबर पड़ेगा, अपने को जाना है सीधा। और इस गुफा में जो रहते हैं उनसे भी लड़ना है यार मेरे को, उनसे बट बाद में लड़ेंगे। ये जरा देखें तो, अरे अबे अरे भैया अरे मैं तो गलती कर गया दादी। चाचा भारी भारी माल निकले भैया, चाचा गाइस खिलखिलाओ थोड़ा सा। यार मेरा उड़न खटोला मार दिया इस आदमी ने, 4-5 गोली कुल मिला के चलाई होगी। अरे बंदूक बंदूक नहीं ले सकते क्या? मतलब बंदूक लेनी है मेरे, एक और जगह देखा था मैंने ऐसा बंदूक चलाने वाला। अबे क्या कर रहा है भाई, अपनी लड़ाई तो खत्म हो गई, साले बंदूक की रिलोड चली गई, बंदूक की रिलोड पे चली गई। साले डरा करूं, डर जाता, थोड़ा बहुत डर जाता यार। तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? डरता हूं मैं, मोटा आदमी फंस गया ना इसलिए बोला था। ओके अपन किसी तो नई जगह पे आ गए, अपने को गया ये जिससे अपन अंदाजा लगा सकें कहाँ पे है वो बंदा, बिल्कुल सामने मेरे जस्ट। और अपना एक पेट मर गया है, क्या अपन इसको मार पाएंगे? यार ये वही वाला है यार, ये तिजोरी वाला है भाई, ये अंदर छुप के रहता है, ये ऊपर नहीं रहता। देखो ये वैसा सही एरिया नहीं आ गया, इसमें बीच में गोला होगा ये रहा। यार ये दिक्कत है यार, मैं लड़ तो लेता हूं इनसे लेकिन यार
ये प्रॉब्लम करते हैं। अरे नहीं याद में, कैसा याद में, पेंगुलेट और पेंगुलेट का किंग है। ओके गाइस, पेंगुलेट का पापा आ जाओ, डायरेक्ट बॉस फाइट कराएं। ये अपना रॉबिन रॉबिन क्विल होता, ये ले जा यार। 1400 की एचपी, खत्म कर देना चाहिए ब्रो इसको, है इसको भी खत्म। अरे आ जाएगा यार, आ जाएगा आ जाएगा। अरे इसके छोटे बच्चे भी हमला कर रहे हैं ना भाई, वो उंगली करेंगे देखना पीछे से, पक्की बात है। बाकी ये तो आ जाएगा, इसमें बड़ी स्फीयर भी खत्म नहीं करने वाला मैं, छोटी स्फीयर से मारूंगा इसको। अगर नहीं आया तो मारना पड़ेगा बड़ी स्फीयर से, बाकी तो ठीक, एक ही में आ जाएगा। ये आ जाएगा ना भाई, पता पड़े ये भी इच्छाधारी बन जावे हैं बाद में जादू। अरे भैया इसके बच्चों ने मारा, आ गया ये लौंडा आ गया। अरे बच्चों को खत्म कर इनके, नहीं यार। अरे पूरा मार दिया मैं, गलती से मरवा दिया मैंने अपने बंदे को पूरा। नहीं इसको छोड़ू यार, पूरा मत मार देना इसको, 200 की एचपी है। अरे बच्चे खत्म करने में क्यों लग रहा है, डैडी पे अटैक कर, डायरेक्ट डैडी पे। इसका ध्यान रखूं, किसकी एचपी का ध्यान रखूं भाई, इसके बच्चे फालतू में मारे जा रहे। बच गया। ओके यार इसके बच्चे उंगली कर रहे हैं भाई, इसने इसलिए रख रखे बच्चे, देखो देखना। इसको डायरेक्ट इस पे फोकस कराते हैं। अच्छा इसको अपन कॉन्सेंट्रेट भी करा सकते हैं, 4 नंबर से कमांड देके। ओके मारना भाई मारना। ओके पड़ी 50 की, 2 बार और अटैक कर इस पे, मेरे को अटैक समझ में आ जाता है ना। अरे नहीं पागल है क्या तू, साढ़े मारेगा उसको। ओके डन। अरे इसके बच्चे हैं चिरांदे साले। ओके पकड़ में आ गया, दे हट जा सालो, तुम्हारे डैडी को ले जा रहा हूँ किडनैप करके, करोड़ रुपए ले आना। स्टील रियलम ऑफ फ्रोजन, ओके कुछ तो मैंने फ्रोजन रोजन का पापा चुरा लिया। ओके गाइस मैंने एक और बॉस पाल पकड़ लिया, इसका मतलब हमें तो अभी तक ऐसे मेरे को लग ही नहीं रहा था भाई बॉस पाल पकड़ लिया, लेकिन ठीक है। टावर पे देखते हैं आसपास कुछ नया खुला है, उसको भी पकड़ लेंगे। एक में सब खत्म कर दूंगा मैं, छोटी मोटी गेम मेरे लिए। मेरा क्या अभी ये है 28 का, ये गाइस क्या अपन इस पे पंगा ले सकते हैं इस बंदे से, लेट्स सी। बट मेरे सारे पेट्स मर गए यार गाइस, मैं अपने पेट्स रिकवर करके लाता हूँ और इससे वापस एक बार फाइट करके देखता हूँ, क्या पता ये शायद अपने कब्जे में आ जाए। तो रुको वहीं मिलते हैं डायरेक्ट है। ओके गाइस उनको 10 मिनट लगेंगे रिकवर होने में, जब तक मैं बनाने वाला हूँ जो भी पेंडिंग चीजें सारी बना दूंगा। तो एक पेंडिंग चीज थी अपनी बेरी फार्म, जो कि अपना रेडी हो गया है, अब इन बेरी फार्म पे लोग काम कर लेंगे। एक और बेरी फार्म बना सकते हैं, खाने की बहुत कमी है तो खाना तो चाहिए। गाइस अपन ने बहुत सारे बेरी प्रोडक्शन के ये लगा दिए, ये हटे तो और लगाऊ मैं। अब शायद अपने को खाने की कभी कमी नहीं होगी, बाकी फीड बॉक्स है यही है यार खाने में। एक सेकंड रुको, क्या पता अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ और अच्छा आ गया हो। वीट प्लांटेशन, अरे यार मैंने बोला था ना ये लगाना था। ब्रीडिंग फार्म भी मिला, लार्ज टूल बॉक्स, डायनोसोम्स की सैडल मिल गई है, और ग्लाइडर भी अपन कहीं से उतरना चाहे तो, बट अब मुझे ये नहीं पता उतरना कहाँ से। लेकिन अपने को मील मिला था और क्रॉसबो भी है। चलो ये सब देखते हैं, सबसे पहले अपने को जो नया चीज वीट प्लांटेशन आई है, ये बहुत बड़ी भाई, इसको अपन लगाने वाले हैं इस जगह। और एक और हट जाओ ना भाई, एक से क्या दिक्कत है तुम लोग, क्या अच्छा ये मेरे पीछे पीछे क्यों डोल रहे हो। ये अब शायद अपने पास कोई कमी नहीं रहेगी, वीट वगैरह जो भी है सब आएगा, बट इसमें कोई काम कर नहीं रहा यार, काम करने वाले लोग भी। एक सेकंड इसको भी तो अपग्रेड कर सकते हैं अपन, जब तक इसको भी आज अपग्रेड करते हैं। हॉट स्प्रिंग बनाना है यार, छोटी मोटी चीजें ना बोला करो। ओके हॉट स्प्रिंग के लिए अपने पूछिए पैलेडियम फ्रेगमेंट, मैं लाता हूँ 10 पैलेडियम फ्रेगमेंट लाता हूँ इन 2 मिनट्स। 5 5 10 एंड लेट्स गो। हॉट स्प्रिंग यहाँ बनाए, देखो क्या प्यारा लगेगा, इसको हटाओ पानी के पास में, देखो ये रहा अपना हॉट स्प्रिंग, यहाँ बन जाए तो यहाँ बनाऊ मैं। ओके बट यार ये ऐसा आड़ा टेढ़ा बनेगा तो नहीं बनाऊंगा, देखना भाई जी कितना प्यारा लगेगा यहाँ बनने के बाद। ओके डन, बाकी अपन भी नहा सकते हैं, ऐसे बैठो अपन भी गर्म हो गए, मिशन कम्प्लीटेड, पाल बॉक्स अपग्रेड अवेलेबल। ओके बाकी पानी के बगल में ये लगा दिया, अच्छा लग रहा है, देखो क्यों लग रहा है यहाँ से निकल रहा है ये भाई, मस्त जगह लगाया मैंने, देख रहे हो तुम डैडी जलो डैडी। अबे क्या हो गया, ये ले भाई खा लो तुम खा लो पहले, तब तक मुझे मत जलाओ। ओके गाइस अभी अपन इसको अपग्रेड कर देते हैं। अभी अपने को बनाना है मेडिसिन वर्क बेंच बनानी, एक सेकंड रुको, मेडिसिन वर्क बेंच ये, इसके लिए चाहिए नेल और पैलेडियम फ्रेगमेंट। नेल ये बन गए, नेल के लिए ठीक है, और चाहिए पैलेडियम फ्रेगमेंट जो की पता नहीं क्यों नहीं बन रहे हैं इसमें, अपने को यहाँ से तोड़ने पड़ेंगे। ये तोड़ के चलते हैं, फूड बड़ी जल्दी जल्दी रहा है भाई। गाइस अपना लेवल अप भी होने वाला है, क्या इसके अंदर अपना खाना वाना बना, इंस्टेंट वो बना सकते हैं अपन दवाई। एक सेकंड, मेडिसिन वगैरह मेरे पास पड़ी है ना, इन्हें यूज कैसे करते हैं मुझे ये बताओ कोई। रुको गाइस मैं बता दूं तुम्हें, मेडिसिन मेरे पे पड़ी है, ये देखो मेडिसिन सप्लाईज है जो की मैं टैब दबा के यूज कर सका हूँ। इससे होता क्या है, ओके फ्रैक्चर या फिर अल्सर को ठीक करने के काम आता है, रखो इसको इधर। बाकी इसमें एक इंजेक्शन था वो बनाते, ये किस काम आएगा। हाई ग्रेड मेडिसिन सप्लाई दैट आर इफेक्टिव एंड ट्रीटिंग वीकेंड एंड डिप्रेस्ड, दे आर नॉट। ओके गाइज ये इंजेक्शन मेरे को बनाना पड़ेगा, ये इंजेक्शन देखो मैं बताऊँ कहाँ काम आएगा, एक सेकंड में बताता हूँ गाइज। यार बहुत धीरे बन रहा, कोई और आओ ना। ये मेरे पास एक पैट है जो कि डिप्रेस्ड है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहा, इसको लगाना पड़ेगा वो इंजेक्शन, समझ गया मैं। बाकी मेरे ये दोनों पैट्स रिवाइव होने वाले, मैं जा रहा हूँ सोने और कल अपन वापस से करने वाले उससे बॉक्स फाइट। चलो फटाफट से अपन लेते हैं अपने पैट्स, एक ये और एक इसको लूंगी। इसको मेजर इंजर्ड क्यों दिखा रहा है, अरे यार दोनों मेजर इंजर्ड है भाई, इनकी एचपी बढ़ेगी, बट रॉबिन क्विल को तो लेके जाना पड़ेगा कुछ भी हो जाए, वो तो जान जिगर का जान है।
चले, खाना खा ले तू, लेकिन चलेगा साथ। चलो ब्रो अपन चलते हैं वापस से वहां पे, क्योंकि मेरे पास है इस टाइम 8 नॉर्मल बॉल्स, 28 मेगा स्फीयर्स और गीगा स्फीयर्स, पता नहीं कहां गए, मैंने तो खर्च करे नहीं, बट ठीक है। मैं वापस जाने वाला हूँ यहाँ पे और इससे फाइट करने वाला हूँ। इस पर पूरी 28 मेगा स्फीयर्स खर्च करके आऊंगा अगर मुझसे वो हारा तो, ठीक है, क्योंकि रॉबिन क्विल की हेल्थ नहीं है यार अच्छी खास। इसको खाना खिलाते रहेंगे बीच बीच में जब तक किसी और से फाइट करा लेंगे, बस इसकी हेल्थ बढ़ी और मैं इसको छोड़ू। लेट्स गो। टोपी लगा के रखता है, पता होनी पड़ती किधर मारने वाला है आदमी। ओके मेरे को ही मारने वाला, मार भाई मार इसको मार यार, ज्यादा लेवल का नहीं है, खत्म कर दो ना यार, क्या दिक्कत है इसके साथ। ये बच गया पूरा खत्म, किसी को नहीं होने दूंगा मैं। आ गया आदमी मेरे पास, शिट नहीं, मार ब्रो मार 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 नहीं। ओके अपना रॉबिन क्विल भी होने वाला हील, इसकी हेल्थ कितनी है, बहुत है बहुत है, चलेगा अभी तो चलेगा ही चलेगा, बट ये मारने लायक चीज नहीं है। ये काम करेगा, देखो यार ये काम क्यों नहीं कर रही है, 124 हेल्थ से इतनी कम कम। पड़ रही मर रहा है मर रहा है मर रहा है, बच गया। आजा मेरे पे फोकस रख ब्रो, मैं इधर ब्रो। अपना आ गया रॉबिन क्विल, यार इसके हाथ से बहुत गंदा मारा है ये, बट अब इसके पड़ने वाली है, पड़ रही है, पड़ने वाली नहीं है ब्रो। ओके 781 गेले बेटे, मुझे भी तीरबाजी आती है, छोटा मोटा समझ रखा है क्या। आ गया 440 की HP, मर जाएगा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ये बेट, ओह शिट 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 शिट, मेरे को नहीं मरना। भाई इस बार एक स्फीयर में आ गया ये आदमी। गाइज अपन ने एक और बॉस ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। गाइज अपन ने एक और बॉस पाल पकड़ लिया है, अब अपन बस अगली फाइट में तो 5 की 5 बॉस पाल लेके जाने वाले। देखो तुम एक और है 23 लेवल का, कर दें तंबू में धूम, लेकिन यार एक मर गया भाई अपना। एक बार घर लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, इसकी जगह बदल के लाते हैं, हैंड टू हैंड फाइट करा। मैं इसकी जगह पे रखने वाला हूँ इसको, और अपन और भी तो लाए थे बॉस पाल्स। ओके ये रहा एक बॉस पाल, ये रहा, और इनको तो मैं भूल ही गया था भाई, ये बॉस पाल भी तो है 177 और 2। इसकी जगह पे अपन लेके, ओके किसी की जगह पे ये नहीं जाने वाले, इन दोनों को लगाते हैं काम पे, इनका काम देखते हैं भाई। ये देखो ये पानी डाल रहा भाई, बात दो जगह पे डाल रहा है एक साथ, कहां निकल लिया याद है भाई। अपनी यहां बेस पे देखो कितने बड़े बड़े, क्या सही लग रही है लोग। ओके गाइस अभी मैं जाने वाला हूं बिना कुछ करे, डायरेक्ट यहां जाएंगे अपन, लेट्स गो। क्या पता अपन आज के दिन ही एक और पकड़ लें। ये है किंग पासा, और अपन उड़न खटोल अपन लाए नहीं, अपना पैदल ही जाना पड़ेगा। गाइस फिर मैंने एक गलती कर दी है कि मैं खाना नहीं लेके आया हूं, कोई बात नहीं गाइस, अपने पास एक चीज आ गई है एनहांस स्टार, जिसके अंदर अपन हेल्थ बढ़ाते हैं फिलहाल, क्योंकि यही जरूरी है। नहीं यार मेरे को वेट बढ़ाना था, क्या अभी बढ़ाऊं, नहीं यार हेल्थ बढ़ा रहा हूं, ठीक हेल्थ की जरूरत है, अभी मैं फाइट करने जा रहा हूं, इस टाइम पे मैंने वेट बढ़ा दिया ना। गाइस अपने को किंग पासा मिल गया है, और ये बहुत खुले एरिया में धोएगा भी बहुत गंदा ही, इसकी पहली फाइट कराते हैं अपन। किंग पासा फाइटिंग गाइस, पासा पलट देंगे हम इसको, अपने पास में ले लेंगे। ओ मम्मी बे सुगर को क्यों मार रहा है, सुगर की बिरादरी वाले आ जाएंगे, खा जाएंगे बेटा तेरे को भाई। ये क्या, एक और अपनी मुसीबत सर पे ले लिया, जो कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, अब मैं इनके बीच में घुसेड़ दूंगा जिनको मैं। ओके मेरा इसका कितना हेल्थ बचा है, अरे मर गया यार रॉबिन क्विल, क्यों नहीं मरना चाहिए था, वो मर गया यार। नहीं ब्रो बॉस है ना, कहां का बॉस है, मैं अभी देख रही चल रही। हां आजा आजा मेरी साइड आजा, ठीक है। उई अरे मोटे आदमी, अपने मोटापे का फायदा उठा रहा भाई ये, जम गए चाचा जम गए चाचा जम गए, अरे भागो भाग, बच गया साले, टोपड़ी पे डंडी मारूंगा। एक सेकंड मुझे देख रहे तो इसे खत्म, अरे यार ये खत्म के कगार तक आ गया, मेरे को ध्यान भी नहीं दिया मैंने। 290 चलने दो चलने दो चलने दो भाई, नहीं किंग पासा का पासा पलट गया ये, इसको घर जाके देखना भाई, मोटा आदमी था यार, दिल का सच्चा था, लेकिन आ गया 2-3 बॉलों में। आसपास कोई टावर नहीं है क्या भाई, इधर टावर मिल सकता है मेरे को, ऊपर धुआं भी है, इधर चलते हैं 2 मिनट को। ये सामने किन्हीं लोगों का तो घर है, चलता हूँ मैं यहाँ पे चलता हूँ, देख लेंगे। हेल्थ जाने से डर ही नहीं लगता अब तो मेरे को, जब किंग पैसा हो तुम्हारे साथ तो डरो किस बात। ओके मेरे को मिल गया ईगल, जिससे मैं जाने वाला हूँ डायरेक्ट घर पे। ये किसकी बस्ती है ब्रो, गाइस किसी की तो बस्ती है, यहाँ पे कुछ है क्या काम की चीज, तो कुछ नहीं है। चलो गाइस चलते हैं अभी घर, रे चचा खड़े भागो मारेंगे चचा। ओके और अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो बाबड़े हो गाइस। किंग पासा का पासा पलटा, ए हाय लौंडा इधर को गिर, ओरे रे गाइस इसको बोलते हैं बॉस फाइट, असली में बॉस लगता भी है भाई आदमी। काम क्या कर रहा है जरा देख, जीती तो उड़ावा लेते हैं लोग। ओके वर्क कुछ कर नहीं रहा, वर्क स्पीड हैवी 70 की। ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही, आज अपन ने बहुत सारे तो नहीं 3 या 4 बॉस पाल्स पकड़ लिए हैं, और एक किसी से फाइट भी करी जो कि दीदी लाई थी, तुमने देखा ही होगा मैच में, वो क्या था मेरे को समझ में नहीं आया, उससे क्या मिला ये भी समझ में नहीं आया, तुमने देखा तो कमेंट्स में बता देना। बाकी अगर तुम्हें मजा आया आज की वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।